मैं सानिका कालेरमन देश की प्रथम महिला भारत केसरी मेरा जो गोल था मुझे डॉक्टर बनना था मुझे बट आई वाज ट्राइंग टू फोकस इधर मुझे मिस इंडिया बनना है या उनके ऊपर अटैक हो गया एंड बंद हो गया हमको पुलिस सिक्योरिटी मिली क्योंकि मेरा हमारा अबडक्शन होने की कोशिश की गई थी स्कूल के अंदर। Hello friends, welcome to the channel World of Sports and we are back again with an amazing video which can bring a change in sports world and especially in women's life. I know कि जिनकी अभी आपने झलक देखी उनसे पूरा कुश्ती जगत तो परिचित है ही पर अन्य देशवासियों के लिए मैं बता दूं कि जिनकी आपने वीडियो शुरुआत में देखी वे देश के महान गुरु व कुश्ती जगत की शान मास्टर चंगी राम जी की सुपुत्री भारत की प्रथम भारत केसरी सोनिका कालीरमन जी हैं। इन्होंने महिला कुश्ती को एक नया मोड़ दिया और पूरे भारत की महिलाओं को खेल क्षेत्र में उतरने की प्रेरणा भी दी एंड टुडे शी विल डिस्क्राइब अबाउट हर लाइफस्टाइल एंड जर्नी सो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो टिल एंड टू नो हाउ वुमेन्स रेसलिंग स्टार्टेड इन इंडिया एंड सम अमेजिंग मोमेंट्स ऑफ सोनिका कालीरमन जीज लाइफ। हाय नमस्कार, मैं सोनिका कालीरमन देश की प्रथम महिला भारत केसरी वुमेन रेसलर जिसने महिला खिताब सबसे पहले उठाया देश में और ये सारा कंट्रीब्यूशन वुमेन रेसलिंग को आज लेकर मैं धन्यवादी हूँ अपने स्वर्गीय पिता श्री अर्जुन अवार्डी पद्मश्री मास्टर चंगी राम पहलवान जी की। उनकी सोच बहुत दूरदर्शी थी, बहुत दूर तक सोचते थे। उन्होंने जीवन में न केवल कंट्री के प्राइड अवार्ड्स और रिवार्ड्स जीते बजाय और उसके अलावा उन्होंने अपने देश में अपने समाज में आज़ादी के बाद जो एक फायर क्रिएट की थी रेसलिंग को लेकर क्योंकि एवरीबडी नोज़ ब्रिटिश आने से पहले हमारे यहाँ पर मुगल्स रूल कर रहे होते थे एंड ही बिकम द फर्स्ट इंडियन हिंदू रेसलर हु लिटरली स्नैच द टाइटल आउट ऑफ देयर हैंड्स। ये अकेले पहले वेजिटेरियन रेसलर इंडिया के थे जिन्होंने एक मार्गदर्शक आप बोल सकते हैं रहे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। इफ़ यू आर वेजिटेरियन यू पॉसिबली बी अ विनर इन अ वेरी वाइल्ड स्पोर्ट्स। देर आर सो मैनी थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर बात करना चाहूँगी, कुछ इंसिडेंट्स बताना चाहूँगी कि देश में विमेन महिला रेसलिंग स्टार्ट हुई अराउंड 1998। I was start doing wrestling 1997 and I was purely new. I never had any experience playing any sports before. I was 15 year old, 14 plus and all of a sudden मेरा जो गोल था मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे बॉटनी में जाना था, मुझे आई वॉन्ट टू बी अ सर्जन और समथिंग। दिस इज वट आई वॉज लाइक बेयरली इन एट स्टैंडर्ड उस टाइम पे, बट आई वॉज ट्राइंग टू फोकस इधर मुझे मिस इंडिया बनना है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है। ये दो स्ट्रीम मैं उस टाइम पर सोचती थी एज अ स्टूडेंट। बट ग्लैडली माई फादर केम वन डे, हम तीन बहने हैं बैक टू बैक, सो दीपिका सोनिका मोनिका। So one of day he just show up and he said, you know, women wrestling start हो चुकी है world में पिछले 10 सालों से, already पूरा world level पर women wrestling start है। और जब मैंने women wrestling start की और हमारा first you know कैडेट इंडियन ट्रिप हम लोग गए थे रिप्रेजेंट इंडिया को करने पोलैंड, वहाँ पर हर कंट्री की विमेन रेसलिंग टीम थी। हाउ सरप्राइजिंग इट इज वी बेरली स्टार्ट अ स्पोर्ट्स लाइक 6 मंथ अगो और ईयर अगो एंड इन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लेवल जहाँ पे कैडेट जूनियर सीनियर सभी टीम वो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे थे पिछले 10 सालों से। आपको जरा भी अंदाजा है कि विमेन रेसलिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना कितना हार्ड वर्क पद्मश्री मास्टर चंगी राम के लिए रहा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर इसलिए बात करना चाहूँगी
कि वो एक ही वॉज नॉट अ पर्सन, ही वॉज अ पर्सनैलिटी. देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग बिटवीन पर्सन एंड पर्सनैलिटी, बिकॉज ही वॉज ओन हिज ओन अखाड़ा. ही वॉज ट्रेनिंग हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रेसलर बिफोर. बट जहाँ पे एक टैबू है रेसलिंग हनुमान की है, हम ब्रह्मचारी हैं, हम लोग इवन हम उस अखाड़े में पैदा हुए थे, सब लोग हमको बहने करके बात करते थे, घर में हमारा इस तरीके के संस्कार थे कि अखाड़े के जितने भी भाई लोग हैं, चाहे आज के दिन कम से कम 60-80 साल का भी कोई बुजुर्ग मिलेगा, बट वो अगर चंगी राम जी का डिसिपल है वो मुझे बहन ही करके बोलेगा. डजेंट मैटर कि मैं उनकी बेटी और पोती की उम्र की हूँ. सो ये जो समाज के ये जो रूल डिसिप्लिन था उसके अकॉर्डिंग हमें अखाड़े में कभी जाने की परमिशन ही नहीं होती थी. हम सिर्फ घर के अंदर रहते थे, बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में हम लोगों रेज किया गया. अब बात यहाँ ये आती है कि पद्मश्री मास्टर चंगी राम को ताउम्र जब उन्होंने इतने हजारों रेसलर दिए इस कंट्री में, इंडिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आए, और वो रेवोल्यूशन मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ, विमेन रेसलिंग इंडिया में स्टार्ट हो ही नहीं सकती थी अगर चंगी राम उसको अपना पर्सनल टारगेट लेकर नहीं जाता. ही वॉज अ बींग अ पर्सनैलिटी, ही नेवर केयर His kids. He sacrificed me, my sister, on basis of wrestling. Doesn't matter we liked it or no. The thing is, his idea and his motive, we just need to support him. That's all. मैं being a woman, Sonika Kaliraman, भारत केसरी बनी, चाहे खुशी से बनी, मजबूरी में बनी, लेकिन मेहनत बहुत करवाई गई. मेरा कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था. मैं अपने लाइफ के ऐसे मोड़ पे थी जहां मुझे फ्यूचर में एक सेट करना था कि मुझे फ्यूचर में चाहिए क्या. व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सोनिका कालीरमन जी इज अ फेस ऑफ वुमेन रेसलिंग एंड लेट्स लिसन फ्रॉम हर दैट हाउ शी बिकेम द फेस ऑफ वुमेन रेसलिंग. So he made me maniki of women wrestling. He made me face of women wrestling. What is the face of women wrestling? आप अगर देखिए what is the maniki? Maniki is something आप किसी showroom में जाते हैं. Showroom में जो भी दुकानदार है वो consumer को attract करने के लिए क्या करता है, बाहर एक पुतला लगा देता है और उस पुतले को अपनी दुकान के दी बेस्ट कपड़े, मॉडर्न कपड़े पहना के उसको बहुत सुंदर दिखा देता है. जो अदर साइड कंज्यूमर जो उसको देख रहा है वो कहता है यार मुझे ऐसे ही कपड़े पहने, मुझे ऐसा ही सुंदर दिखना है. Do you understand? So he made me a face of women wrestling. जब सोनिका सुंदर है, लंबी है, गोरी चिट्टी है, वेल एजुकेटेड है, जब लोगों को, जब वो मुझे गांव गांव शहर शहर में घुमाते थे विमेन रेसलिंग एंड आई एम स्किलफुल. अगर कोई ये कहता है कि सोनिका को टेक्निक नहीं आती, सॉरी मैं रॉन्ग. सोनिका अचीवर नहीं है, बै रॉन्ग. सॉरी आई डिड प्रिटी वेल एज फार आई वॉज इन ऑन द मैट. डजेंट मैटर. तो उनका मैंने कि जो उनका पुतला था पद्मश्री मास्टर चंगी राम का, जो मोटिव था कि ये जो डमी है इसको पूरे इंडिया में घुमाना है ताकि जो भी पिता है, जो भी बाप है लाइक मास्टर चंगी राम जी, वो अपनी बेटी को इस रूप में देखे. वो इस रूप में देखे कि सोनिका अच्छा पैसा भी कमा रही है, सोनिका अच्छी पर्सनैलिटी भी बन गई है, सोनिका को रिकग्निशन है, सोनिका को एम्प्लॉयमेंट है, सोनिका कैन डू एनीथिंग, माय डॉटर कैन डू एनीथिंग. सो ही पुट मी इन अ क्वेश्चन मार्क सो पीपल कैन स्टार्ट आंसरिंग मी. पीपल स्टार्ट सीइंग देयर डॉटर्स एज अ सोनिका कालीरमन. दिस इज हाउ विमेन रेसलिंग स्टार्ट. दिस इज वॉट चंगी राम डिड. He did basis of what he thought. His thought process was so wild and so far. वो इतने दूरदर्शी थे. उनके ऊपर उनके खुद के चेलों ने women wrestling को तो छोड़िए, men wrestling के लिए जब चंगी राम जी बोलते थे कि भाई देश में ओलंपिक से मेडल तब तक नहीं आएगा जब तक wrestlers मैट के ऊपर कुश्ती नहीं करेंगे. इस
चीज का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा बहुत सारे उनके खुद के चेलों ने, जब उन्होंने अपने मैट की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई और मिट्टी की ट्रेनिंग बंद कर दी, जांगिया बंद कर दिया देश में कि चंगीराम अखाड़े का कोई डिसिपल जांगिया नहीं पकड़ेगा, उनके ऊपर अटैक हो गया। एंड आई वॉज बेरली इन फोर्थ ग्रेड दैट टाइम, मैं फोर्थ क्लास में उस टाइम पे मुश्किल से हम लोग पढ़ते थे। हमारा बाहर जाना बंद हो गया, हमको पुलिस सिक्योरिटी मिली क्योंकि हमारा अबडक्शन होने की कोशिश की गई थी स्कूल के अंदर। आप जब भी कोई बड़ी सोच विचार आगे लेकर चलते हैं, आप दोस्त बनाने से पहले दुश्मन बनाते हैं और आपके अपने पहले दुश्मन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मास्टर चंगीराम जी। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन विमेन रेसलिंग को नहीं, मेन रेसलिंग के अंदर जो बिगेस्ट चेंज उन्होंने किया था, जो उनकी सेइंग थी, जो वो बोलते थे कि भाई अगर मेरे को देश के अंदर चेंज लाना है वो मेरे अखाड़े से स्टार्ट होगा, मेरे अखाड़े के बच्चे जांगिया नहीं पकड़ेंगे। संजय पहलवान उस वक्त भारत केसरी हुआ करते थे देश के। अगर किसी को कुश्ती का ज्ञान है तो वो ये चीज समझेंगे कि यार दिस वॉज द ब्लडी ट्रुथ। सच्चाई का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा एंड ही वॉज ब्रूटली, मेरे को एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं बोलना आ रहा, अगर मैं बोलूं कि ही वॉज सावर टंग, वो जब भी बोलते थे इतना रियल और इतना बुरा कड़वा सच बोलते थे, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता था और अभी भी नहीं होगा डाइजेस्ट। क्यों? जब इंसान, उनकी एक ही सेइंग थी, जब मैं लोगों को पढ़ा नहीं दिखा तो खड़ा कैसे दिखूंगा। उनको द्रोणाचार्य के लिए जब बात हो रही थी, व्हेन ही वाज अलाइव ही वाज सेइंग आई एम नॉट गोना गो टू एनी गवर्नमेंट एंड सेइंग काइंडली कैन यू गिव मी माय डिजर्विंग पोस्ट और माय अवार्ड व्हिच इज द्रोणाचार्य एंड यू आर गिविंग एवरी रैंडम पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड यू गाइज आर लिटरली डूइंग सो मेनी थिंग्स ऑन द टेबल, कैन यू जस्ट कंसिडर मी as a loyal citizen and a coach or a guru, am I in the list to get the Dronacharya? But जब उनको वही चीज livingly नहीं मिला तो उनके गुजरने के बाद उम्मीद कम है, लेकिन सोचा जा सकता है। Government can consider it। उनके मरने उपरांत बहुत सारे शहीद हो जाते हैं फौजी भाई, उनको मरणोपरांत उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करते हुए गुजर जाते हैं, उनको मरणोपरांत मिलते हैं। अगर ये चीज आज भी बोली जा रही है देश के अंदर कि क्या वो आदमी की लेगेसी क्या है, उस आदमी की लेगेसी सोनिका कालीरमन द मैने की है, जिसने हु मेड हिज ड्रीम कम ट्रू। लोगों ने अपनी बिटियाओं को कैलिबर देखा, आगे बढ़ाया। सुबह 4 बजे वो फोन करने उठते थे, पूरे देश में फोन मिलाते थे। मुझे अभी भी याद है कलकत्ता में जब दंगल होना था, कैन यू जस्ट, बड़ा बाजार में दंगल हुआ था, मैंने फर्स्ट भारत केसरी वहीं जीता था पंजाब की रेसलर को हरा के। और जैसा कि आप सभी ने सुना कि देश में पहली महिला भारत केसरी बनने का सफर सोनिका कालीरमन जी के लिए कितना कठिन परिश्रमों से भरा था, और उसी में उनके पिता स्वर्गीय पद्मश्री मास्टर चंदगीराम जी का कितना बड़ा योगदान रहा। स्वर्गीय पद्मश्री मास्टर चंदगीराम जी ने देश को पहली महिला भारत केसरी तो दी ही, साथ में उन्होंने अनेक होनहार व धुरंधर पहलवानों को भी तैयार किया। और मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको मरणोपरांत द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाना। एंड स्टोरी डजंट एंड शेयर, और इनकी लाइफ से जुड़ी और भी बातें मैं आपके सामने लेके आऊँगा पार्ट टू में। हमारे साथ जुड़े रहिए। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद।